पॉर्न पॉर्न पॉर्न। आ गए थंबनेल देख के लाल टपकाते। छी 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 छी, इतनी घनी बेइज्जती अपने व्यूअर्स का जनता माफ नहीं करेगी। जनता तो लक्ष्मी का रूप होती है। So, hello my people, welcome to LLB। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। Let's go। इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म को इंसल्ट करना, साथ में एक आर्मी ऑफिसर के वाइफ का कल्चर असैसिनेशन, प्रोटेस्ट करने वालों के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना या यूट्यूब से उनकी वीडियो हटवा देना, सीन को जाना पहचाना सा लग रहा है। जी हाँ, कि कुछ महान कारनामे अपने प्यारे कपूर मैडम के, लेकिन बेशर्मी की हद तो तब हो जाती है जब माफी मांगने के बजाय मैडम आके साइबर बुलिंग का विक्टिम कार्ड खेलती है। उनके अगेंस्ट आए कंप्लेंट्स डिसमिस हो जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। कैसे? क्योंकि उस एपिसोड को ही हटाया दिया जाता है, बस सॉर्टेड। लेकिन मैडम, मामला इतनी जल्दी खत्म होगा ऐसा लग नहीं रहा है। और ये पूरी कंट्रोवर्सी ने मुझे लिटरली पुश किया कि जाके देखो आखिर कैसे कैसे अडल्ट कंटेंट बन रहे हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे, और इसके बारे में ना कुछ बात करूं। कंटेंट नो कंटेंट, जी हाँ मैं तो ऐसे ही बोलूंगी। एनीवेज, चलिए नजर डालते हैं कुछ शोज पर। पहले मैं बात करूंगी, जी हाँ, इस अजूबे के बारे में। हाँ पता है, बहुत से लोगों ने ऑलरेडी रोस्ट करके रिव्यूज देके इसको छोड़ भी दिया है, लेकिन नहीं, मैं रोस्ट करने नहीं बैठी हूँ क्योंकि वो होता नहीं है मेरे से। इसको आप मेरा रिएक्शन कंसिडर कर सकते हैं, और सिर्फ इसी शो के बारे में नहीं, मैं कुछ और शोज के बारे में भी बात करने वाली हूँ। तो वापस आते हैं इस घटिया, नहीं घटिया बोलने का हक नहीं है मेरे को, इस अजीब शो पे जिसके चार सीजन निकाल दिए शो वालों ने। खैर सीजन 3 मैंने देखा नहीं है, बाकी 3 सीजन्स को देख के ना मेरे दिमाग में ख्याल आया कि एक फॉर्मूला ये लोग फॉलो करते हैं शो बनाने के लिए। लाइक नंबर 1, लेडीज को इतने टाइट कपड़े पहना दो कि करीब करीब दम घुट के मौत ही आ जाए उसको। नंबर 2, लॉन्ड्री नहीं लिंगड़ी की विंडो शॉपिंग करा दो। नंबर 3, बिना सर पैर वाले रिलेशंस दिखा दो, कहीं मालकिन और कामवाली के बीच में, कहीं पार्टनर से एक्सचेंज, कहीं पे अंकल या आंटी के साथ, कहीं पे पत्नी का पति को बेच देना, कहीं पे थ्रिसम या कहीं पे 3 लोगों की आपस में शादी। मुझे ना ऐसा लग रहा था कि खुद स्टोरी राइटर को भी पता नहीं होगा वो लिख क्या रहा है। नंबर 4, जबरदस्ती सोशल इश्यूज गुजार देना। पता नहीं कहां से ढूंढ के ऐसे नायाब कहानियां लेके आते हैं और एपिसोड्स में अंधेपने के साथ डालते रहते हैं। नंबर 5, गांव का प्लॉट क्रिएट करना, चाहे वो कितनी भी नकली क्यों ना लगे, क्योंकि ड्रेस, मेकअप, एक्सेंट, एटीट्यूड, कोई भी एंगल से एक भी कैरेक्टर गांव का लगता ही नहीं है। और हर एक इंसान में कूट कर धड़क भरा हुआ है। मुझे ना कपूर मैडम से एक सवाल करना है। ओ मैडम इधर आओ, आपको ये किसने कह दिया कि गांव के लोग निहायत नल्ले और भयंकर टाइप के हवसी होते हैं, उनके पास और कोई काम ही नहीं होता है? खैर देखो, मैं खुद एक स्मॉल टाउन से बिलोंग करती हूँ, पास के गांव में जाकर डांस क्लासेस चलाती हूँ। बहुत दिन हो गए, उठना बैठना आना जाना लगा रहता है। मैंने तो आज तक किसी भी इंसान को ऐसे हवस के पुजारी बने घूमते हुए नहीं देखा। यार गांव के लोग बहुत ही सिंपल और प्यारे होते हैं, सबका सम्मान करते हैं। क्या दिखा रहे हो लोगों को? ये शो शुरू से था ALTBalaji का, लेकिन सीजन 4 तक आते आते ये जॉइंट वेंचर बन गया ZEE5 के साथ। जी नाम से ही पवित्रता छिलकती है। जी न्यूज हम सब ने देखा हुआ है, देश के सबसे तमीजदार और हुनहार बच्चों में से है वो। तो रैंक में सिर्फ रिपब्लिक टीवी के जस्ट नीचे आता है उसका रैंक। अरे क्या बोल रही है, चैनल बंद करवा के मानेगी क्या? हाँ तो ZEE5 पे मैंने देखा एक और घटिया नहीं अजीब शो, जो कि अगेन ALTBalaji के साथ इनका जॉइंट वेंचर था, और जिसके फर्स्ट एपिसोड को लेके इतना बड़ा कांड हो गया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ XXX अनसेंसर्ड की, जिसके फर्स्ट सीजन को डायरेक्ट किया था केन घोष ने, जो कि सीजन मैंने देखा नहीं। और सीजन 2 का डायरेक्टर कौन है ये मुझे घंटा मालूम नहीं है, और किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि शो निहायत ही वाहियात है। वाहियात बोर्ड चलेगा ना आपको, नहीं तो मैं इसको कंटेंट घोषित कर दूंगी। और क्या बोलूं इस शो के बारे में, ऐसे समझ लो कि ट्रिपल एक्स अनसेंसर्ड इज गंदी बात इन अ पॉलिश्ड बॉक्स। गंदी बात में गांव के किस्से, ट्रिपल एक्स में शहरों के किस्से। इधर घुस आते हैं सोशल इश्यूज, उधर घुस आते हैं पर्सनल लाइफ के इश्यूज। इधर लॉन्च रही है थोड़ी सिंपल वाली, उधर लॉन्च रही है थोड़ी डिजाइनर और महंगे वाली। इधर लोग है शायद कुछ छोटे मोटे काम करने वाले या मुश्किल से केबल वाला, उधर लोग है एक्टर, डॉक्टर, बिजनेसमैन। फर्क सिर्फ इतना ही है, बाकी कौन किसके साथ लगा हुआ है कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ पता ही नहीं चलता। और बैकग्राउंड में साउंड सुनाई देता है एक्सोटिक, अजी घंटा। इसके फर्स्ट एपिसोड को छोड़ के 2 और एपिसोड्स के बारे में मैं बात करूंगी। एक में तो कपूर मैडम के खुद के सीरियल्स के सेल्फ रोस्टिंग देख रही हूँ, क्या देख रही हूँ कौन जाने। और दूसरे एक में एक मैडम तो अपने छोटे भाई के दोस्त के साथ ही, यार मेरा भी एक छोटा भाई है, उसके दोस्तों के साथ मेरी भी काफी अच्छी दोस्ती है। हमारे मन में तो कभी ये ख्याल नहीं आया, चलो करते हैं। यार क्या दिमाग पाया इन लोगों ने, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा था क्या देख रही हूँ मैं। नॉटी अमेरिका का कोई भोजपुरी वर्जन या नॉटी अमेरिका और भोजपुरी सॉन्ग के बीच का लेवल का कुछ और पता नहीं क्या। हाँ मैंने बोला बीच का, मिडिल वाला स्टेज। कोई एग्जाम्पशन मत भर लेना दिमाग में। चलो ये तो था पेड एप्स के शोज के बारे में। जी हाँ, सब्सक्रिप्शन है नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार, ZEE5 का। लेकिन फिर भी अब फ्री का कुछ देख लेते हैं, तो मैंने डाउनलोड किया MX प्लेयर। जी हाँ, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के दुनिया का मसीहा, क्यों ये बताने की जरूरत नहीं है। मैंने बस प्लेयर डाउनलोड किया था इनका ओरिजिनल शो भौकाल देखने के लिए, मूवी माय गॉड। लेकिन सोचो ऐप ओपन करते ही मेरे सामने क्या पड़ता है, इनका दूसरा एक ओरिजिनल शो मस्तराम। अभी लॉकडाउन में वेली बैठी है लड़की, क्या सोचेगी बोलो, यही ना कि चलो देख ही लेते हैं। ओहो भाई साहब क्या देखा मैंने। एक लेखक है जिनकी किताब पब्लिशर छापता नहीं है क्योंकि उसको चाहिए मसाला। अब सफल साहित्यकार बनने की चाह में हमारे लेखक राजा राम, जो कि है बिल्कुल भोले आदमी, राम जी जैसे देवता इंसान, वो पलक झपकते ही बन जाते हैं जॉनी सिंस। और शो रामायण से सीधा बन जाता है नॉर्थ अमेरिका। और लेखक अपनी इमेजिनेशन में ही कभी चने बेचने वाली के साथ, कभी अपने मंगेतर के फ्रेंड्स के साथ, कभी बुआ के साथ, तो पता नहीं किस के साथ। और सिर्फ अपने बारे में नहीं, लेखक दूसरे लोगों के बारे में भी अंधा इमेजिनेशन लगाते हैं और लिखते चले जाते हैं। इन सब के बावजूद मैं बोलूंगी शो में कैमरा वर्क, लाइट, सेट डिजाइन और नेचर व्यू काफी अच्छा है। ओवरऑल स्टोरी भी है जो ठीक ठाक फ्लो में चलती है। तो मैं तो बोलूंगी यहाँ पे कि ये वाला शो ना बाकी वो 2 शोज के कंपैरिजन में काफी अच्छा है। यार कितने सारे ऐप्स है यार। एक और ऐप के बारे में मैं बात करूंगी, उल्लू। वाह क्या लाजवाब नाम रखा है ना। इस ऐप के डिजिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हेड हर्षवर्धन जोशी का ये कहना है कि सब्सक्रिप्शन प्राइस जो है इसका वो काफी लो रखा गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख सके। जी नहीं, मैंने नहीं लिया सब्सक्रिप्शन क्योंकि इंस्टाग्राम के थ्रू जितनी मेरी जान पहचान हुई है ना शोज के साथ में, मैं तो फ्री में भी ना सब्सक्रिप्शन। यार शोज के नाम कुछ इस प्रकार है, खपाखप, चड्डी, खुल जा सिमसिम, हाँ गला ही दबा दे उसका। एक और है कविता भाभी। यार ट्रस्ट में मैं बिल्कुल ही बॉडी शेप नहीं करना चाहती, लेकिन इस औरत के फोटो को देख के ना एक ही थॉट आया मेरे दिमाग में, ये आंटी बच्चा निकल जाती होगी पक्का। Sorry, bro. बस इतनी ही हिम्मत बची थी मेरे में यार, और नहीं देख सकती थी मैं। सोचने लगी थी लोगों को खाली यही देखना पसंद है क्या, तो सोचिए जवाब क्या मिला। लेकिन इस तरह के बी ग्रेड, सी ग्रेड, पता नहीं कौन से ग्रेड के शोज को बनाने वाले जो डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स है या एप्स के CEOs है या स्पोक्सपर्सन जो भी है, सबका यही कहना है कि ऐसे शोज जब से आना शुरू हुए तब से व्यूज और सब्सक्रिप्शन में बढ़ोतरी हुई है। गंदी बात के डायरेक्टर साहब को तो मैसेज ही आ गया कि उनके शो को देखकर एक कपल की सेक्स लाइफ जो है वो काफी बेहतर हो गई है, ऐसा उनका कहना है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। और कपूर मैडम, भाई उनके बारे में तो मैं क्या ही बोलूं, मैं लिंक्स डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, खुद ही देख लेना या पढ़ लेना। ऐसे में कौन सी थ्योरी पकड़ के चलूं, लोगों को ये देखना पसंद है क्या नहीं है कौन जाने। यहाँ पर फैक्ट्स और भी है डिस्कस करने को, जैसे कि सेंसरशिप, रेगुलेशंस, कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। कुछ दिनों पहले हमारे इंटरनेट एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री ने एक मीटिंग करके सारे ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को एक कोड ऑफ कंडक्ट फाइनलाइज करने को कहा। दूसरी तरफ जहां हॉटस्टार, वूट जैसे कुछ कंपनीज ने खुद से आगे आकर एक कंप्लीट काउंसिल फॉर्म करने की मांग करी, वहाँ नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम जैसे कंपनीज को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ, ये पूरा मैटर अंडर डिस्कशन है। अब कुछ ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इससे रिलेटेड मैं आपको बताऊं। फर्स्ट, अब तक हमारी गवर्नमेंट ने चाइना, फ्रांस, सिंगापुर की तरह ओटीटी प्लेटफॉर्म को डायरेक्टली अपने कंट्रोल में लेने की बात नहीं करी है। कंपनीज को एक कोड ऑफ कंडक्ट फाइनलाइज करके एक सेल्फ रेगुलेशन के दायरे में रहने के लिए कहा गया है। सेकेंड, इस टोटल इशू पे हमारी सरकार का जो मेन फोकस है वो है एंटी नेशनलिज्म, वायलेंस एंड रिलीजियस सेंटिमेंट, सेक्सुअल कंटेंट नहीं। लेकिन अब सिनेरियो कुछ और होता दिख रहा है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दैट कंट्रोवर्सी। आगे चल के क्या डिसीजंस सामने आने वाले हैं वो पता नहीं, लेकिन मजे की बात तो ये है कि कुछ प्लेटफॉर्म्स ने ऑलरेडी क्लास के अच्छे बच्चे बनते हुए अपने सीजन, शो या एपिसोड को ऑलरेडी टेक डाउन या बैन कर दिया है। फ्रैंकली स्पीकिंग इस बारे में मेरी कोई क्लियर ओपिनियन है नहीं। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सरकार की कंट्रोल होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, आई एम नॉट श्योर एक्चुअली। और अपना ओपिनियन रखने का भी कोई फायदा तो होने नहीं वाला। लेकिन आखिर में एक बात जरूर कहना चाहूंगी, देखो ऐसा है, लैपटॉप हो, फोन हो, कंप्यूटर हो तुम्हारा है, वाईफाई हो या डेटा कनेक्शन तुम्हारा है, इन शॉर्ट पैसा तुम्हारा, टाइम तुम्हारा, चॉइस तुम्हारी और बच्चे भी तुम्हारे। तो कितनों का सब्सक्रिप्शन लेना है, कैसे कैसे चीजें देखनी है, वो एंड ऑफ द डे तुम्हारे ऊपर है। और मुझे नहीं लगता कि पब्लिक इतनी भी बेवकूफ है कि उनको उल्टा सीधा या कुछ भी गंदगी दिखा के इन्फ्लुएंस या मैनिपुलेट किया जा सकता है। पीपल आर सेंसिबल इनफ, तो सही गलत का फैसला भी व्यूअर्स को ही करना है, ऐसा मेरा मानना है। आप क्या सोचते हैं ये कमेंट करके जरूर बताना हमें, बताना हाँ, मुझे जानना है। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। हाँ, जिसने अब तक हमारे नए शो अल्फाज का सफर देखा नहीं है, जाओ देखो प्लीज और बताओ हमें कि कैसा लगा, और सब्सक्राइब जरूर करना। कीप लविंग।